हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में। ये जो तीनों कैटेगरीज हैं वाटर की, ये सॉइल वाटर रिलेशन में यूज़ की जाती है। तो सॉइल वाटर रिलेशन के लिए हमें सॉइल का पता होना चाहिए। जो सॉइल है उसमें 25% वाटर, 25% एयर, 5% ऑर्गेनिक मैटर एंड 45% मिनरल्स होते हैं। और ये जो 25% वाटर है, ये इन तीनों कैटेगरीज जो होती हैं वाटर के, उनको कंबाइन करके बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमें सॉइल के पोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों कैटेगरीज हैं इन पोर्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड करती हैं। सॉइल के अंदर दो तरह के पोर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं, हम बात करेंगे मैक्रो पोर्स की। मैक्रो नाम से ही पता चल रहा है, जो कि बड़े वाले पोर्स हैं। ठीक है, इनका जो साइज़ है 0.006 mm से बड़ा होता है। दूसरी हमारे पास सॉइल पोर की टाइप है माइक्रोपोर्स। माइक्रोपोर्स जिनका साइज़ जो है 0.006 mm से कम होता है, यानी कि ये काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में हम अब बात करते हैं। ये फ्री मूविंग वाटर होता है, और ये जो है ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। यानी कि ये वाटर जो है हमें मैक्रोपोर्स में मिलेगा। ठीक है, और जो बहुत थोड़ा ग्रेविटेशनल वाटर है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, क्यों ये प्लांट्स के लिए बहुत थोड़ा क्यों अवेलेबल होता है, क्योंकि जितना सॉइल में वाटर मैक्रोपोर्स के लिए यूज़ में था, यानी कि मैक्रोपोर्स में जितना वाटर समा सकता था उतना तो समा गया। बाकी का क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो वाटर टेबल की ओर, यानी कि सॉइल बेड में जो वाटर टेबल है उसकी ओर नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। यानी कि वो थोड़ी देर के लिए ही रहेगा, बाकी का सारे क्या नीचे रैपिडली नीचे जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वाटर हमारे यूज़ में कम आता है। ठीक है, उसके बाद है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो कि माइक्रोपोर्स में होता है, माइक्रोपोर्स यानी कि वो पोर्स जिनका साइज जो है 0.006 mm से कम होता है। और ये जो वाटर है ये सॉइल सॉल्यूशन बनाता है। क्यों इस वाटर को जो है कैपिलरी वाटर कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल के माइक्रोपोर्स की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी कारण जो कैपिलरी वाटर है ये मेन वाटर की तरह अवेलेबल होता है टू प्लांट्स। ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब बन जाती है। ठीक है, जो माइक्रोपोर्स है इसमें ये वाटर के खड़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स माइक्रोपोर्स हैं, उनमें कैपिलरी वाटर रहता है। और ये कैपिलरी वाटर के है मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट्स की तरफ से यूज़ किया जाता है। लेकिन पूरा का पूरा कैपिलरी वाटर प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा सा कुछ हद तक क्या है ये प्लांट्स के यूज़ में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है, और जो लास्ट कैटेगरी है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, कोई भी सॉइल पार्टिकल्स हैं, उसके आसपास के एक लेयर बन जाती है, एक थिन फिल्म बन जाती है वाटर की। तो ये जो थिन फिल्म है ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होती है टू द सॉइल बाय द एडहेशन प्रॉपर्टीज। इसलिए ये के प्लांट रूट्स तो इसको यूज़ कर ही नहीं सकते, ये प्लांट्स के लिए यूजफुल होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो सॉइल पार्टिकल है इस तरह से एक थिन फिल्म बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली हेल्ड होती है टू द पार्टिकल। ठीक है, तो हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में, कैपिलरी वाटर के बारे में, और हाइग्रोस्कोपिक। ग्रेविटेशनल जो मैक्रोपोर्स में होता है और ड्रेन आउट हो जाता है रैपिडली, वो ग्रेविटी के कारण क्या है नीचे चला जाता है। ठीक है, और जो कैपिलरी वाटर है ये माइक्रोपोर्स में होता है और बहुत हद तक प्लांट्स की तरफ से यूज़ किया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लांट्स की तरफ से यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये होता है इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, तो ये तो थी हमारी तीनों कैटेगरीज ऑफ वाटर। ये जो कैटेगरीज है साइंस में भी बच्चों के पढ़ने में आती हैं, और एग्रीकल्चर में भी यूज़ की जाती हैं।